हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जब कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो बच्चों का जो ट्रैवलिंग किट है वो अपने सामान के साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों का बहुत सारा स्टफ होता है। छोटे छोटे स्टफ्स को कैरी करना और उन्हें सही तरीके से रखना, आज मैं आपको वो बताऊंगी कि आप कभी भी कहीं ट्रिप पे जाए तो अपना बैग पैक कैसे करें बच्चे के बैग पैक के साथ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिस्टिंग से। आपको अपने डे वाइज लिस्टिंग बना लीजिए कि आपको किस किस दिन पे कहाँ जाना है और उसके अकॉर्डिंग बच्चों के लिए कितने कपड़े लगेंगे। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपको जितने भी कपड़े लग रहे हैं हर इवेंट के अकॉर्डिंग, उसमें आपको बच्चे के लिए एटलीस्ट 2 से 3 पेयर ऑफ ड्रेसेस एक्स्ट्रा ही रखना है। बच्चे के नाइट ड्रेस जरूर अलग रखें, क्योंकि बच्चों को हम कहीं बाहर ले जाते हैं तो दिन भर हम उन्हें इतने कंफर्टेबल ड्रेसेस नहीं पहना पाते हैं, पर रात को वो अगर कंफर्टेबल ड्रेसेस नहीं पहनेंगे तो वो प्रॉपर सो नहीं पाएंगे, जिससे आपको नेक्स्ट डे ट्रेवलिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। तो आप बच्चों के बैकपैक में ये इतना ड्रेसेस का ध्यान जरूर रखें। तो हमारा ये स्टफ है जो मैं बच्चे के लिए पैक करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं बच्चे को हम 5 डेज के लिए जा रहे हैं, पर मैंने बच्चे की ड्रेसेस जो कैरी की है वो मोर देन 5 है। ये मैंने उसकी नाइट ड्रेसेस रखी है, ये 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेसेस है, और ये 5 दिन के अलग ड्रेसेस हैं। अब इनको आप सबसे पहले फोल्डिंग में ये ध्यान रखें कि आप मिनिमम जितना छोटा फोल्ड हो सके उतना छोटा फोल्ड करें बच्चों की ड्रेसेस में, क्योंकि आपको उससे जगह जो होगी वो कम से कम कैरी होगी। और सेट जो है वो साथ में रखे, जैसे ये टी शर्ट के साथ में ये जींस इसे पहनाऊंगी तो ये मैंने एक साथ ही रखा है, क्योंकि आपको उस टाइम सर्च नहीं करना पड़ेगा तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चे की ड्रेसेस निकालना और रखना। अब हमारा जो लगेज होता है, लगेज बैग, वो बहुत बड़ा होता है। बच्चे की ड्रेसेस उसमें इधर उधर हो जाती है, छोटे बेबीज रहते हैं तो उनकी ड्रेसेस भी उतनी छोटी रहती हैं, तो उन्हें इजीली फोल्ड करके रखना लगेज में इतना इजी नहीं होता है। तो मैं उसके लिए, इसके ड्रेसेस के लिए हमेशा ही एक छोटा सा कवर यूज करती हूँ। ये हमारा ब्लाउज का जो रखने का कवर होता है वो है ब्लाउज बैग। आप चाहे तो साड़ी बैग ट्राई कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कवर जो साइज में छोटा होता हो आप उसे ट्राई करें, क्योंकि बच्चों के ड्रेसेस छोटे होते हैं। तो अब हम जब बैग जमा रहे हैं तो उसमें सबसे बेटर होता है कि हम उल्टे डिवाइस जमाए, मतलब जैसे हम लोग 10 डे को हमारा ट्रिप जो है वो ओवर होगा, तो मैं 10 तारीख को जो उसको पहनाने वाली हूँ वो 10 तारीख के मैंने कपड़े सबसे नीचे रखे हैं, उसके बाद 9 तारीख के रखे हैं, उसके ऊपर मैंने 8 तारीख के कपड़े रखे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपको बार बार बैग बिखेरना नहीं पड़ेगा, और हम जो कपड़े यूज कर लेते हैं वो हम नॉर्मली सेम बैग कैरी बैग में नहीं रखते हैं, सेम लगेज में नहीं रखते, क्योंकि उससे जो हमारे धुले हुए कपड़े होते हैं उनमें स्टिंक स्मेल आ जाती है। तो उसके लिए मैं अलग से कैरी बैग हमेशा रखती हूँ, जिसमें मैं जो गंदे कपड़े हैं मेरे बेबी के वो रखती हूँ। तो आप लोग भी गंदे कपड़े के लिए अलग बैग जरूर रखें, और जितने भी कपड़े हैं उन्हें डे वाइज उल्टे रखें। नाइट ड्रेसेस मैं अलग रख रही हूँ, और जो सॉक्स हैं वो साइड में रख लें, क्योंकि सॉक्स कई बार बच्चे गंदे कर देते हैं तो हमें बार बार निकालने पड़ते हैं। तो ये साइड में जब आप सॉक्स रखेंगे तो बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं ऐसा कैसा सेट पूरा। ये मेरे बेबी के एक्स्ट्रा कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं बैग में नहीं रखूंगी, अलग से रखूंगी। इसमें से ये जो ड्रेस है ये मुझे उसी ट्रेन में चेंज करनी है, क्योंकि हम लोग जब जाएंगे तो हम पूरा ट्रिप कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट गाड़ी से ही रेलवे स्टेशन पे जाने वाले हैं, और उसके जो ड्रेसेस रहेंगे वो हाफ स्लीव्स रहेंगे। पर ट्रेन में क्योंकि हवा लगने के कारण बच्चे को ठंड लगती है, तो ये मैंने फुल स्लीव्स के थोड़े से वार्म क्लॉथ्स रखे हैं अलग से, स्वेटर और टोपे के साथ, क्योंकि हम कई बार बच्चे के साथ जाते हैं और हम लोग क्योंकि इतनी ठंड नहीं होती है तो हम सोचते हैं बच्चे को भी नहीं लगेगी, पर आप हमेशा बच्चों के वुलन क्लॉथ्स एटलीस्ट एक पेयर साथ में जरूर रखें। तो ये जो ट्रेन में मुझे चेंज करने की ड्रेसेस या जो ट्रेन में रिक्वायरमेंट हो सकती है इन्हें मैं अलग ही पाउच में रख रही हूँ, और इन्हें मैं जब वापस आते टाइम अपने पर्स हैंड बैग में रख लूंगी। अभी मैं इन्हें लगेज में अलग से रखूंगी। ये उसकी एक्स्ट्रा ड्रेस है जो मैं यहाँ साइड में रख रही हूँ। ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा लिए है कि अगर कभी खराब हो जाती है तो ये 2 पेयर्स मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। और ये जो है ये मैं अपने हैंड बैग में रखूंगी, क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं तो बच्चों की ड्रेस का कोई वो नहीं रहता है कि कब खराब हो जाए, तो इसीलिए हैंड बैग में खराब ना हो तो मैं इसे भी एक पॉली बैग में अलग से
प्रॉपर रख रही हूँ और इसे ऐसा का ऐसा मैं अपने हैंड बैग में रख लूंगी। इसमें रख, अब मैं अराउंड 2 डायपर्स जो है अपने बैग के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, 2-3 डायपर आप कैरी बैग इसमें बैग में रख लीजिए बच्चे के, और बाकी कुछ हैंड बैग में रखिए। और डायपर हमेशा हर जगह इजीली अवेलेबल रहते हैं, तो आप डायपर बहुत ज़्यादा कैरी ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डायपर्स कैरी करेंगे तो आपका लगेज बढ़ेगा। और हमें ट्रैवलिंग में हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम कम से कम लगेज रखें। अब बच्चे के लिए हम हैंडबैग का जो सामान होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, मदर्स हमेशा हैंडबैग कैरी करती हैं, पर क्योंकि हम पालीताना ट्रिप पे जा रहे हैं तो वहाँ ट्रैक करने वाले हैं, तो ट्रैकिंग में हैंडबैग्स कैरी करना डिफिकल्ट होता है, तो मैं इस तरह का बैग ले रही हूँ क्योंकि शोल्डर बैग है तो इसे कैरी करके मैं इजीली ट्रैक कर सकती हूँ। एक पेयर ऑफ ड्रेस मैं इसमें रख रही हूँ क्योंकि बच्चे के साथ हमें हमेशा हैंडबैग में एक ड्रेस ज़रूर रखनी चाहिए। एक डायपर रखूँगी इसके साथ में, और वाइप्स का पैकेट हमें, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा बच्चे के साथ हैंडबैग में रखनी होती है। इसके अलावा मैं रख रही हूँ नैपकिन, इसके साथ ही मैं बेबी का एक छोटा ब्लैंकेट कैरी कर रही हूँ अपने हैंडबैग में, बच्चे कभी भी कहीं भी सो जाते हैं तो उसके लिए उनके साथ एक ब्लैंकेट होना बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। और साथ ही आप बच्चे के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर ले, थोड़े बहुत स्नैक्स ज़रूर ले, क्योंकि बच्चों को कभी भी भूख लग जाती है, तो इट्स एसेंशियल कि आप उनके लिए स्नैक्स भी अपने हैंडबैग में ज़रूर रखें। अब जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेडिसिंस। बच्चे बहुत बार बाहर का पानी पीते हैं, अलग तरह का पानी पीते हैं, तो उनके पेट खराब हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो बच्चों के लिए सर्दी खांसी की दवाई इस तरह से अलग कैरी बैग रखे दवाइयों के लिए, उसमें सर्दी खांसी दस्त और बुखार ये एटलीस्ट 4 दवाइयां हैं, ये ज़रूर आप लोग कैरी करें। और उसके अलावा भी अगर आपके बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको लगता है कि आपको ये एक्स्ट्रा मेडिसिन भी रखनी है तो एक अलग कैरी बैग में उसे भी ज़रूर कैरी करें। और इसी के साथ बच्चे के साथ आप अपने भी लिए कुछ मेडिसिन ज़रूर रखें। तो हम 4 डेज के टूर के लिए अपना स्टफ रख रही हूँ मैं। तो फर्स्ट डे ट्रेवल का रहेगा, जो मैंने ड्रेस नहीं रखी है, उसके अलावा हम जितनी ड्रेसेस रखेंगे मैंने जैसे आपको बताया मिनिमम साइज में फोल्ड करें और पूरे सेट एक साथ रखें। मैंने पूरा सेट एक साथ ही रखा है तो उससे वो आपके जो बैग है उसमें कम से कम प्लेस की कंज्यूम करेंगे और आप इजीली अपने बैग्स को यूज़ कर पाएंगे। ये मैंने 4 डेज के 4 ड्रेसेस रखे हैं और एक नाइट ड्रेस एक्स्ट्रा रखा है। तो चलिए हम बैकपैक स्टार्ट करते हैं। आप डे वाइज कपड़े हमेशा इस तरह रखिए कि जो आपको लास्ट डे पहनने हैं उन्हें आप सबसे नीचे रखिए और जो आपको पहले पहनने हैं उन्हें आप ऊपर रखिए, तो उससे आपको बहुत ही इजी हो जाएगा ड्रेसेस निकालने में और आपका बैग भी है वो बिखरेगा नहीं। हमें क्योंकि कम से कम स्टफ कैरी करना है ताकि बैग्स जो है हमारे ज़्यादा हैवी ना हो और कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाए, तो मैं अपना सिर्फ एक मल्टी कलर दुपट्टा कैरी कर रही हूँ जिसे मैं सभी ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकती हूँ। अब ये एक साइड में मैंने अपने ड्रेसेस पैक किए हैं, नेक्स्ट साइड में मैं अपने हस्बैंड के ड्रेसेस पैक करने वाली हूँ। आप ड्रेसेस पैक करने में हमेशा ड्रेसेस मिनिमम करने का ट्राई करें। मेरे हस्बैंड 2 जीन्स ले रहे हैं तो एक वो पहन के जाएंगे और एक हम बैग में रख रहे हैं, और उन 2 जीन्स के साथ ही हम 4 शर्ट्स यूज़ करने वाले हैं, टी शर्ट्स पहनेंगे ये। तो ये हमारे बैग्स पैक हो चुके हैं और ये लास्ट नाइट ड्रेस इनकी। मिनिमम प्लेस में हमने ये रख दिए हैं। अब जो मैंने कल आपको बताया था कि हम एक्स्ट्रा एक ड्रेस बेबी के लिए रख रहे हैं जो हमने उसके बैग में नहीं रखी थी, क्योंकि हम इसे अलग से रखने वाले हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, तो मैं इसी बैग में इसे सेंटर में फिट करूँगी। हमेशा हमारे बैग में सेंटर में और साइड में इतनी प्लेस होती है कि आप कोई भी एक ड्रेस या कोई अपने अंडरगारमेंट्स छोटे कपड़े कुछ भी फिट कर सकते हैं, तो आप उस प्लेस को यूज़ करें आराम से।
अब यहाँ पर भी मेरे पास प्लेस रिमेनिंग है जिसमें हम हमारे छोटे कपड़े रख सकते हैं। और अब ये जो ऊपर स्पेस बची है इसमें मैं अपना बेबी का बैग, जिसे मैंने आपको पैक करके बताया था पहले ही कि इसमें हमने सारे सामान रखे हैं, ये ऊपर ही ऊपर आ जाएगा और ये सब चीजों के साथ रेडी है। पर मैं इसे पैक करने से पहले, हमने स्टार्टिंग में लिस्ट बनाई थी तो हम वो लिस्ट चेक करेंगे कि हमसे कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो मिस हो गया है, छूट गया है। उसके बाद हम हमारे बैग को पूरा रैप अप करेंगे। तो हमने पूरा बैग प्रॉपर पैक कर लिया है। अब हमने जो ये मेडिसिन के बॉक्स रखे हैं इन्हें आप अगर चाहें, मैं दूसरा बैग कैरी करी उसके लिए, पर अगर आप चाहें तो अपने मेडिसिन और कॉस्मेटिक के बॉक्सेस जो है यहाँ सेंटर में फिट कर सकते हैं। मैं इनके लिए दूसरा बैग कैरी कर रही हूँ इसलिए मैंने इसे यहाँ फिट नहीं करा है और यहाँ पे दूसरी चीज़ें रखी हैं। साथ ही मैं, आप एक लॉन्ड्री बैग ज़रूर लें या जो अपने गंदे कपड़े हैं उन्हें रखने के लिए। मेरे पास बैग में एक एक्स्ट्रा पार्टीशन है जिसमें मैं अपने गंदे कपड़े रखती हूँ, तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा बैग कैरी नहीं किया है। तो अगर आप गंदे कपड़े अलग रखेंगे तो बेटर रहेगा, तो एक्स्ट्रा बैग कैरी करें उसके लिए। तो अब हमारा बैग पैक हो चुका है और हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं।